विराट कोहली इज द वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, बट पिछले दो से तीन साल में 2019 के बाद उसकी कोई सेंचुरी नहीं, बट दैट डजंट मीन दैट कोहली इज नॉट अ गुड प्लेयर. कोहली इज अ फैंटास्टिक प्लेयर. द सेम गोज फॉर बाबर आजम. बाबर आजम इज करंटली द बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड. सो होपफुली ही इज गोइंग टू प्ले वेल टुमारो. देखिए, हम हांगकांग से जैसे जीते हैं उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा. 155 रन से किसी भी टीम के खिलाफ जीतना बहुत बड़ी बात होती है. तो वैसे ही हमारे बॉलर्स की एक अच्छी फॉर्म चल रही है, बैट्समैन भी रन करेंगे, तो प्रेशर तो खैर अब लोग इतनी क्रिकेट खेलते हैं, ये सब प्लेयर्स दुनिया भर में लीग्स खेलते हैं, तो प्रेशर तो इस लेवल पे प्रेशर लेना तो आना चाहिए. सब पाकिस्तान इज स्टिल शॉर्ट ऑफ सम गुड बॉलर्स आई गेस. जो क्लास आमिर की थी या जो क्लास शाहीन शाह आफरीदी की है वो इनमें नहीं है, बट कंपैरेटिवली दे आर ऑल्सो गुड बॉलर्स. दहानी का जहाँ तक है, दहानी नॉर्मली शॉर्ट बॉल्स पर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है. अगर वो थोड़ा सा चेंज लाएगा बॉलिंग के अंदर, शायद वो इंडिया के लिए बिल्कुल चार्मिंग, बिल्कुल एग्रेसिव चेंज होगा. इंशाल्लाह हमारे दो मेन प्लेयर्स हैं, बाबर आजम इंशाल्लाह रन करेंगे. नसीम शाह की अच्छी फॉर्म चल रही है, वो भी आउट करेंगे तो पाकिस्तान को बहुत मदद. प्रेशर गेम, आई गेस इट हैपेंस विद एवरी बैट्समैन, नॉट बैट्समैन, एवरी स्पोर्ट्समैन. अप एंड डाउन आते हैं लाइफ में. जीतेगा क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था बहुत अच्छा मैच हुआ था, तो इंडिया को भी पता है कि अभी हमारा मैच पाकिस्तान से तो इतनी आसानी से इंडिया नहीं जीत सकता, और पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा. बस ये कहना चाहूँगा कि इफ्तिखार की जगह हमें हैदर अली को खिलाना चाहिए, क्योंकि हम उसे साथ लेके जा रहे हैं. हमारे पास आसिफ अली भी हिटर है, हमें इफ्तिखार को भी हम हिटर के तौर पर खिला रहे हैं. अगर हमारे पास हैदर अली है तो हम हैदर अली को यूज़ करना चाहिए. तो ज़्यादा अबाउट नर्व्स बैलेंस साइड हैं, दोनों के एक एक शिकार हो चुके हैं. लेफ्टी मेरे ख्याल है उनका आउट है और हमारा टोटल नर्व्स है. हमने जो गलतियां पहले की है, 5 बाउंसर्स पे आउट हो गया, अभी अब ब्लंटेड, और मेरा ख्याल है सीखना भी चाहिए और अब डिलीवर करना चाहिए. जैसे हांगकांग के साथ इन्होंने किया है 10 ओवर सुकून से खेल के, और बाद में जो है वो सुपर डिलीवर किया है. तो आई थिंक अगर ये पैके बैटिंग कर लें इंडिया को, चेस पे जाएं मेरे ख्याल से, तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया जो है वो बड़ी बैटिंग साइड है हमसे, देर बेटर साइड. तो आई विश के पाकिस्तान जो है अपनी गलतियों से सीखेगा और विल बाउंस बैक डिलीवर करेंगे.